हिंदुस्तान में आए तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, कोई जम्मू कश्मीर है, कोई हैदराबाद में, कोई राजस्थान में, कोई दिल्ली में, कोई उत्तर प्रदेश में, और ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ? ये तो अवराजक है, अप्रवासी है, अवैध अप्रवासी है। इस देश में आए कानून के मंत्री, इनको तो यहाँ से वापस भेजना चाहिए। इसकी मांग को लेकर मैंने सदन में सवाल उठाया था। उस सवाल के दरमियान सरकार ने कहा कि हम इसकी निगरानी कर रहे हैं, पूछ रहे कि ये इन सारे लोगों को वापस हम उन सरकार के साथ बात करके करके प्रयास करके भेज देंगे। दरमियान आंग सान सू की जो वहाँ की काउंसिलर है, हेड काउंसिलर है वहाँ म्यांमार की, उनके ऊपर यूएन का भी दबाव आया और वहाँ अभी हाल ही में उन्होंने उसके प्रति अनुकूलता दिखाई कि वह ले लेंगे लेकिन सतर्कता से लेगी, उनको जांच करके ले लेंगे। तो मैंने पूछा कितने लोग आज तक गए, तो सरकार के पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरा कहना यह है कि ये लोग इस देश में आकर उनकी गरीबी का फायदा लेकर कुछ आतंकवादी संगठनाएं भी उनसे मिली हुई है। हाल ही में जो आतंकवादी भागे वहाँ कश्मीर में, तो इनकी बस्ती से भागे, तो इन बस्ती वालों ने उनको सपोर्ट किया होगा, ये डर है। इसलिए इनकी जांच करके इनको तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको अपने देश में भेजना चाहिए।